तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अभी इस वीडियो से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो है चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, जो फिज़िक्स का चैप्टर है, ठीक है, फिज़िक्स का है जो कि आपको पढ़ना है किस में है, पॉलीटेक्निक में पढ़ना है। पढ़ना किस में है आप लोगों को पढ़ना है पॉलीटेक्निक में, ठीक है, पॉलीटेक्निक में पढ़ना है, ठीक है। उसका जो है उसमें कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, मैं वो सब सारा चीज़ जो है बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रह के आप भी सीख लीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट और उससे क्या क्या आने वाला है, ठीक है। मतलब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो है उसका सिलेबस में जो जो चैप्टर जो जो है टॉपिक में वही सब डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो है, अगर आप फिज़िक्स पढ़ते हो तो आपको आपको ये जानना ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स होता क्या है भाई, आखिरकार ये फ़िज़िक्स है क्या। आप ये नहीं जानोगे तो फिज़िक्स कैसे पढ़ रहे हो फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फिज़िक्स क्या होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिज़िक्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ नेचर यूजिंग डिफरेंट पर्पसेस थ्योरीज एंड लॉज, ठीक है। तो फिज़िक्स क्या होता है, एक मैथमेटिकल स्टडी ऑफ जो है क्या है मैथमेटिकल स्टडी ऑफ नेचर है, ठीक है। नेचर का जो है हम मैथमेटिकली स्टडी करते हैं, इसके द्वारा जो है बहुत सारे जो साइंटिस्ट है अपने अपने लॉज दिए थे, उस लॉज के हिसाब से हम उसको वेरीफाई करते हैं और हर एक चीज़ को हम जो है डीपली समझते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है भाई, तो देखिए ये होता है दोज मेजरेबल पैरामीटर्स, ठीक है, विच आर यूज फॉर स्टडी ऑफ फिज़िक्स इज कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये कुछ नहीं होता, देखिए जिसको आप मेज़र कर सकते हो बेसिकली वही आपके लिए क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी है। जैसे कि एग्जांपल आप मैं बोलिएगा, ठीक है, अब देखिए 10 kg, ठीक है, 10 kg क्या है, ये मेज़रेबल थिंग है, ठीक है। 10 kg को आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है फिज़िकल क्वांटिटी कौन सा हो गया, फिज़िकल क्वांटिटी ये हो गया 10, ठीक है। 10 kg में फिज़िकल क्वांटिटी क्या हो गया, 10 जो है फिज़िकल क्वांटिटी हो गया, ये क्या हो गया, फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। अब चलिए जानते हैं फिज़िकल क्वांटिटी का क्या क्या टाइप्स है, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी का टाइप्स, ठीक है, ये सब टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहला आता है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, दूसरा क्या आता है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। अब जानते हैं चलिए फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, ठीक है, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए ये फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी वो होता है जिसका जो है और जो है टुकड़ा नहीं किया जा सकता, मतलब ये जो है देखिए आप एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए पहले सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, दोज फिज़िकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटी, एग्जांपल लेंथ मास टाइम, ठीक है, चलिए समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो फिज़िकल क्वांटिटी, जैसे कि अगर आप फोर्स का बात करें, ठीक है, तो फोर्स का अगर हम पूछें कि उसका फिज़िकल क्वांटिटी क्या हो गया, तो उसका कोई भी जो है क्वांटिटी नहीं होता, उसका क्या हो जाता है, उसका एक फार्मूला आता है ma, F इज्कल्स टू ma, तो हम इस फार्मूला में रख के इसको पुट करते हैं। तो मतलब जो है ये एक फोर्स का अगर पूछेंगे तो ये कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है तो ये नहीं है, क्योंकि जो है इसका और भी फार्मूला है। फिर मास का जो है, मास से m निकलता है, a से क्या निकलता है, एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन क्या जो है एक फिज़िकल क्वांटिटी है, तो जो कि नहीं है, एक्सेलरेशन एक फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, एक्सेलरेशन एक फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसका भी फर्दर फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है, तो इसका भी फर्दर फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए जो है ये कभी भी जो है फंडामेंटल नहीं होगा, ठीक है, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है, तो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी आप समझ चुके हैं कि जो है जैसे कि आप ये जैसे कि हम लिख दें डायरेक्टली लेंथ लिख दिए, ठीक है, अब लेंथ को हम फर्दर डिवाइड नहीं किया कर सकते, ठीक है, लेंथ को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मास लिख दिए, ठीक है, आप लिख दिए मास, ठीक है, मास को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। चलिए अब जानते हैं आगे जो है दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी, ये उसका उल्टा है जस्ट, आप देख सकते हो दोज फिज़िकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज, ठीक है,
एज अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने क्या अभी कहा, जैसे कि फोर्स, इसका क्या होता है फॉर्मूला, एम ए हो जाता है। ठीक है, अब हम जैसे कि एक्सेलरेशन, इसका क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी बाई टाइम हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो है, ये हो गया, देखो अब वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है, तो ये जो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और ये जो है क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को समझ में आ गया हो, देखिए एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि एरिया, फोर्स, स्पीड। ठीक है, फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है देख सकते हैं आप, और जो है फंडामेंटल का आप एग्जांपल देख सकते हैं, लेंथ, मास और टाइम है। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं मेज़रमेंट के बारे में। मेज़रमेंट में बेसिकली हम लोग क्या मेज़र करते हैं भाई, तो देखो यहाँ पे मेज़रमेंट हम लोग मेज़र करते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा उसका यूनिट होता है। देखो हर चीज़ का एक यूनिट होता है, जैसे कि हम लिख दें यहाँ पे 10 kg, तो 10 kg में यूनिट क्या है, kg। हम लिख दें 10 ग्राम, तो ग्राम क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया, और 10 जो है क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम मेज़रमेंट करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम यूनिट को बढ़ाते हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड घट जाता है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए मैं बताता हूँ इसका एग्जांपल, 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे हम जो है इसका जो ये यूनिट है, यूनिट को हम बढ़ा दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मैग्नीट्यूड जो है बढ़ गया यहाँ पे, तो इसी प्रकार होता है। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आता है हमारा MKS, CGS, FVS। तो भाई ये क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिया है, MKS मतलब होता है मीटर, सेंटीमीटर, नहीं मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, MKS का फुल फॉर्म क्या हो गया, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इसी तरह प्रकार से CGS का हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FVS का हो गया फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको आपको जो है याद कर लेना है, ये तो कुछ नहीं है, आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है जिसको SI यूनिट बोला जाता है। ठीक है, SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो SI यूनिट का जो है फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब जो है इसको हम इंटरनेशनली यूज़ करते हैं। देखिए हर चीज़ का एक इंटरनेशनल यूज़ होता है, मतलब जो है आप ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, कंट्री टू कंट्री, मतलब जो है उसको वैलिड किया गया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, देखिए फंडामेंटल का मैंने बात किया, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सकता है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये सब का जो है क्या क्या जो है यूज है, मतलब उसका जो है क्या, चलिए देखते हैं, इसका सब चीज़ का एक सिंबल होता है। ठीक है, सब चीज़ का सिंबल है, मतलब कि लेंथ को हम ऐसे लिखते हैं, एल लिखते हैं, मास को एम, टाइम को टी, के टेम्परेचर को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को सी डी एस से, मतलब ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे मार कर देता हूँ, आप लोग उसको जो है एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मैं मार कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब देख सकते हैं आप लोग, इसको जो है एक बार देख लीजिएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, आगे क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें कि आता है एक एंगल आता है, जिसको रेडियन में लिखा जाता है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देखते हैं डायमेंशनल। ठीक है, डायमेंशंस, ठीक है, अब देखिए हर चीज़ का एक डायमेंशन होता है, देखो हर चीज़ को डिनोट करने का कुछ जो है डायमेंशन होता ही है। ठीक है, तो वेलोसिटी, जैसे देखिए फंडामेंटल में आता है लेंथ, मास और जो है टाइम, यही तीन का जो है हम लोग डायमेंशन जो है फंडामेंटल में हम लोग लिखते हैं डायमेंशन के फॉर्मूला में। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है वेलोसिटी का। ठीक है, तो वेलोसिटी का ये देखो डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, मैं इजीली बता दूँ, तो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, तो लेंथ मतलब क्या होता है, एल एल, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, L1 ठीक डिवाइडेड बाई टाइम, T1 ठीक है, तो टाइम अगर नीचे है, तो अगर हम टाइम को ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार बन जाएगा,
कुछ इस प्रकार बन जाएगा एल वन टी माइनस वन, ठीक है, और एम को लिख देंगे एम जीरो, ठीक है, एम नॉट। तो इस प्रकार से बन गया इसका डायमेंशनल फार्मूला, देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का क्या होता है भाई, तो फार्मूला सब को याद होगा कि वेलोसिटी बाई क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। अब वेलोसिटी में क्या होता है, हम लोग लेते हैं लेंथ, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम इसको यूनिट से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है, और टाइम का तो टाइम ही होता है, ठीक है, ठीक है, टाइम का टी होता है यूनिट। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो है हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिए एल वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी माइनस वन, ठीक है, नहीं सॉरी टी माइनस वन नहीं, टी वन लिख दिए, तो इसको लिख दिए एल वन टी माइनस वन एम जीरो, मतलब दोनों का सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए फोर्स का देखते हैं, फोर्स का हम तब से चिल्ला रहे हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला को लिखने का एक तरीका होता है, इसको जो है इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे कुछ भी पावर में नहीं है, मतलब पावर में वन है, ठीक है, पावर में कितना है, वन है। तो ये एक फार्मूला है डायमेंशनल फार्मूला को जो है लिखने का, ठीक है, एक सिस्टम होता है हर चीज़ का। अब पता है आपको वर्क मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। तो इसी तरह फोर्स इंटू लेंथ, मतलब जो है इसका यूनिट है, ठीक। तो यहाँ से इसका उसका भी क्या निकाल दिए हम, डायमेंशनल फार्मूला। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए मोमेंटम का भी निकाला हुआ है, ठीक है, उसका फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस का निकाला हुआ है, चलिए आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है उसका, ठीक है। तो बोल सकते हैं उसका उसको हम किस प्रकार से करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। हम क्या बोल देंगे डायमेंशन, किसी भी चीज़ का अगर डायमेंशन लिखते हैं तो मतलब क्या करते हैं हम, उसका यूनिट का जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका यूनिट, मतलब तो उसका यूनिट में क्या क्या है, लेंथ कितना बार है, मास कितना है, और जो है उसमें टाइम कितना बार है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एनर्जी, एनर्जी यहाँ पे हो गया इसका पावर, ये जो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये एनर्जी और दोनों पावर का, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ये मेनली इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है डायमेंशन करेक्टनेस, ये भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेसिकली पूछ सकते हैं कि मतलब अगर कहीं एंगल दिया हुआ रहे तो वो जो है डायमेंशन लेस होता है, अगर कहीं अगर आपको यहाँ पे ये फंक्शन मिल जाए, ठीक है, तो ये भी डायमेंशन लेस होता है, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोग इसको जो है ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। अब और एक चीज़ यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर ए टू दी पावर एक्स रहा तो यहाँ पे जो है ये एक्स क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। अगर लॉग में ए और बी रहा तो ये जो है ए और बी क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। ए टू दी पावर अगर एक्स रहा तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। बस यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए एरर के बारे में पढ़ते हैं। एरर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, एरर मतलब देखिए किसी भी चीज़ को हम अगर मेज़र करते हैं तो उसमें एक माइनर एरर होता ही होता है, चाहे वो सिस्टमेटिक एरर हो, चाहे वो जो है इंस्ट्रूमेंट का एरर हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट जो है अच्छा से कैलिब्रेटेड ना हो, चाहे उसका रीडिंग देखने में एरर हो, मतलब बहुत सारा एरर हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी एरर हो सकता है। चलिए हम जानते हैं रैंडम एरर के बारे में, रैंडमली मतलब कुछ भी एरर हो सकता है उसमें, ठीक है। तो देखिए एरर होता क्या है, मेजर्ड वैल्यू को अगर हम ट्रू वैल्यू से घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा दोस्तों। तो एरर आप लोगों को पता चल गया क्या होता है, ठीक है। देखिए हर चीज़ का एक ट्रू वैल्यू होता है, मतलब जो है उसका एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। मान लो आपको जो है एक किलो आटा लेना है, तो आटा एक किलो का 1000 ग्राम ही होता है, ठीक है, कितना होता है 1000 ग्राम ही होता है। लेकिन देखिए
आपको दुकानदार वजन करने के टाइम 1000 से ज़्यादा दे दे, 1010 ग्राम दे दिया, ठीक है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें देखिए आप, छोटा सा एरर है 10 ग्राम का, 10 ग्राम का क्या है, एरर है, लेकिन उसको उससे चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से होता है एरर, या आप लोग देख लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। एरर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेजरमेंट, मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे ले लिए एक, ठीक है, 4.1, ठीक है। ये जो है मेजर्ड वैल्यू, इसका ट्रू वैल्यू कितना था, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसका ट्रू वैल्यू था। अब चलिए उसको देखते हैं, उसको सबसे पहले जो है उसका एरर निकाल लेंगे, ठीक है। उसका एरर कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। उसका क्या आ गया, उसका क्या आ गया, पॉजिटिव एरर। मतलब देखिए, अगर आपको एरर निकालना ही है ना, तो एरर हमेशा मॉड में निकालिएगा, ठीक है, मॉड फंक्शन में, ठीक है, मॉड में, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, पॉजिटिव एरर, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेजर्ड वैल्यू किस प्रकार से हम जो है, एक एग्जांपल दिया हुआ उसका मेजर्ड वैल्यू निकाल लिए। अब चलिए आगे देखते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ ए डिवाइस क्या होता है। देखिए हर एक चीज़ में एक जो है लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट, जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल से हम समझाते हैं, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द गिवन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इट इज़ जनरली द वैल्यू ऑफ स्मॉलर डिवीजन ऑफ द इन द इंस्ट्रूमेंट। चलिए यहाँ पर आप जो है उसका ये पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ लिए। अब चलिए देखते हैं उसका एक एग्जांपल जो मैंने अटैच करके रखा है नीचे। अरे यहाँ पे तो अटैच था भाई, हाँ देखिए यहाँ पे अटैच किया हुआ है लिस्ट काउंट का, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक स्केल अटैच किया है। देखिए इसका जो है लिस्ट काउंट क्या है, इसका लिस्ट काउंट ये है। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड में इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब एक सेकंड नहीं, सॉरी, एक सेंटीमीटर में इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो क्या आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है 5 लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक जो है 5 लाइन है, तो मतलब टोटली जो है 10 डिवीज़न में 1 सेंटीमीटर को जो है, 1 सेंटीमीटर को जो है 10 डिवीज़न में डिवाइड करके रखा गया है। तो इसका जो है ये लिस्ट काउंट हो गया, कितना कितना हो गया लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिस्ट काउंट भी समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, और मैं उस कमेंट का जवाब ज़रूर से देने का प्रयास करूँगा एक वीडियो ही बना के, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर से अच्छे समझ में आए। देखिए अब बात करते हैं रैंडम एरर का कैलकुलेशन आप किस प्रकार से करें, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ रैंडम एरर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल इसी से पूछा जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको इसी से पूछा जाता है, ठीक है, आपको इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर आपको बोला जाए कि आप जो है एरर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए, आपको तो ट्रू वैल्यू पता नहीं रहता है, आप किसी भी जो है इंस्ट्रूमेंट से मेज़र जैसे करेंगे, आपको कोई ना कोई एरर तो उसमें रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट जो है अपना अपना एरर के साथ ही होता है, कुछ एक माइनर एरर भी होगा लेकिन एरर तो होगा ही। तो इसीलिए देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, उसका जो है बहुत सारा रेटिंग लेना है हर बार में, अगर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस को देखने को मिलेगा ही। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा रेटिंग लिया गया है, एंथ टर्म तक रीडिंग लिया गया। उसके बाद क्या निकालना है, उसका मीन ऑफ द रीडिंग्स। अब उसका मीन निकाल लेना, उसका मीन निकालने से आपको फ़ायदा ये होगा, जो उसका मीन ना आएगा ना, आप उसको जो है कंसिडर कर लेंगे ट्रू वैल्यू, ठीक है। अगर वो ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में ना दिया हो, तो ट्रू वैल्यू इफ़ नॉट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो उसको क्या करना है, ट्रू वैल्यू मानना है इसी को। अब देख सकते हो ट्रू वैल्यू मान लिया, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मीन निकाल लिए, अरे यार ये तो डिस्टर्ब कर रहा बार बार। सबसे पहले अपने मीन निकाल लिए, ठीक है, मीन निकाल लिए। दूसरा क्या कर लिए, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए, ठीक है।
तीसरा चीज़ कर लिया आप उसको, उसका भी मीन निकाल लिए, मीन निकाल लिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर और एरर को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में आप लोगों बेसिकली करना क्या है पता है, ट्रू वैल्यू से जो है मीन को घटा देना है, ठीक है। क्या करना है, ट्रू वैल्यू से मीन को घटा देना है। यहाँ पर देखिए ये जो है क्या है, ट्रू वैल्यू है और ये जो है मेजरमेंट, ये जो है देखिए ये मेजरमेंट है और ये ट्रू वैल्यू है। ए एम यहाँ पर क्या है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू है। देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ निकाल लिए। अब निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए देख सकते हैं आप जो है उसको, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए यहाँ पे उसका सब चीज़ का। यहाँ पे क्या निकाल लिया बेसिकली, ये क्या होता है एक, इसको क्या बोलते हैं, मीन निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे मीन एवरेज, एवरेज निकाल लिए, एवरेज निकाल लिए आप उसको। अब एवरेज निकालने के बाद आपको करना क्या है पता है, उसके बाद आपको जो है अगला स्टेप क्या आता है, रिलेटिव एरर का, रिलेटिव एरर का आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव एरर में बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे ये मीन एरर को ले लिए, मीन एरर डिवाइडेड बाई क्या, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो इसी को जो है हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर, ठीक है। अब चलिए आगे जानते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है। परसेंटेज एरर कुछ नहीं होता है, रिलेटिव एरर में इनटू 100 कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, परसेंटेज एरर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पार्ट है रिलेटिव एरर का है और जो है इसमें हम 100 कर दिए तो ये क्या निकल गया, परसेंटेज निकल गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, अगर दिक्कत आए तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को इसका आंसर दूंगा, मतलब इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, मतलब समझा दूंगा। यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं पीडीएफ में सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है, पीडीएफ में सॉल्यूशन किया हुआ है। आपको अगर दिक्कत आए तो यहाँ सब सॉल्यूशंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो फिर मैं वीडियो तो डालूंगा ही, ठीक है, तो आप उससे देख सकते हैं, मैं फ़िलहाल अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर, मतलब जो है हम एरर को लिखते कैसे हैं भाई, हम एरर को लिखते कैसे हैं। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई भी जो है ये है, कोई भी जो है मेजरमेंट है, यहाँ पे लिख दिए ए, ए जो है इसका क्या हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया, इसका एरर हो गया, एरर जिसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसेबल एरर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम परमिसेबल एरर। अब एरर का एडिशन करने के लिए आप देख सकते हैं दो हम मेजरमेंट को ले लिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दिए तो हमारे पास ये जो है वैल्यू निकला, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं ये मैक्सिमम हो गया है और ये मिनिमम हो गया, तो हम इससे ये निकाल लिए कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा हुआ, जिससे कि ये निकल गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, इससे जो है आप क्या कर सकते हैं, दो एरर को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार देखते हैं सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से एरर का करते हैं। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल मैंने ले लिया है, उसके बाद दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए हमारे जो है फाइनल रिजल्ट क्या आता है, वही जो हम एडिशन में यूज़ करते थे उसी को हम सब्ट्रैक्शन में यूज़ करना है, ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन में देखिए हम दो यहाँ पर जो है ले लिए यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद आगे उसका जो है हम करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उससे हमें एक फार्मूला मिलता है, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला, ठीक है। आप ये फार्मूला को जो है नोट कर लीजिए और जो है ये फार्मूला को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको एरर का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न करना है तो ये काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों में सेम है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों में ही सेम है, मतलब इससे आप डिवीज़न भी कर सकते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो है एरर का जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है, यहाँ पे एरर का ख़त्म होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।